देश भर में एनआरसी और सीएए को लेकर भारी प्रदर्शन चल रहा है। कहीं पे छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं तो कहीं पे कई नेतागण इसका विरोध कर रहे हैं। जो के देश का विपक्ष है वो तो विरोध कर रहा है, वो अपनी जगह जायज है, मगर एनडीए का खुद घटक दल इसका विरोध कर रहा है। देश में कई जगहों से ऐसी आवाजें सामने आ रही है और वहीं पे भाजपा शासित राज्यों में पुलिस की बर्बरता साफ देखी जा रही है छात्रों पर और सामान्य नागरिकों पे। इस समय 19 अक्टूबर मुंबई के एक मैदान में, जो के ऐतिहासिक मैदान है अगस्त क्रांति मैदान में, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन रखा गया जिसमें के छात्र संघ नेता और काफ़ी सारे एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टीज और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं फिल्म जगत की काफ़ी सारी हस्तियों ने इसमें हिस्सा लिया। हिस्सा लेने का मकसद सिर्फ एक था कि देश पर जो कानून थोपा जा रहा है, मैं ये कहूँगा कि कानून लादा जा रहा है जिसकी इस समय देश को आवश्यकता नहीं है। देश को आवश्यकता है जीडीपी को सही करने की, देश को आवश्यकता है रोजगार की, देश को आवश्यकता है कारोबार की। उन सारी चीज़ों को छोड़कर कहीं ना कहीं इस कानून के जरिए लोगों को भटकाया जा रहा है अहम मुद्दों से। इस समय मेरे साथ में बॉलीवुड के मशहूर सितारे जो कि पर्दे के पीछे अपना काम करते हैं, मगर उनकी चमक और उनकी गूंज जो है सभी के कानों में गूंजती है। जी हाँ, बॉलीवुड के एक मशहूर लिरिक्स राइटर इस समय मेरे साथ में है, एएम तुराज, जो कि इस समय मेरे साथ में हमारे द डेली इंडिया न्यूज़ की ऑफिस में मौजूद है और वो भी इसका हिस्सा बनने आए थे। मैं एएम तुराज जी से सवाल करना चाहूँगा। सर, पहले तो मैं आपका स्वागत करूँगा द डेली इंडिया न्यूज़ में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि सर, आपने फिल्मों में गाने लिखे हैं, आप शायरियाँ लिखते हो, काफ़ी जो शायर होता है वो काफ़ी दिली तौर पर, अंदरूनी तौर पर काफ़ी जो होता है सॉफ्ट होता है, तो सर ये जो चल रहा है इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके डेली इंडिया न्यूज़ का को थैंक्स कहूँगा कि मुझे आपने मौका दिया कि मैं अपने सुनने वालों, जो मेरी ऑडियंस हैं, मैं उस तक एक पैगाम पहुँचा सकूँ। देखिए, आज जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ है अगस्त क्रांति मैदान में, मैं इसका हिस्सा बनने आया था चूँकि ये मेरे शहर मुंबई में था जी। और मैं एक्चुअली लोगों के लिए काम करता हूँ, पूरी इंडस्ट्री लोगों के लिए काम करती है, हमारे देश के लिए काम करती है। तो ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये जैसे कि कानून बना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ लोगों को नहीं आ रही है और उनको समझने की ज़रूरत है। और सरकार को, बहरहाल इतने लोग निकले हुए हैं रोड पे और यहाँ वहाँ, तो ऐसा नहीं होता कि किसी भी गलत चीज़ के ख़िलाफ़ इतने, मतलब किसी सही चीज़ के ख़िलाफ़ इतने लोग जो है खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ इसमें जो है वो गलती है, तो उसको ठीक करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको वापस देना चाहिए क्योंकि ये यहाँ की जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एकता है और जिसके लिए हम हमेशा से काम करते रहे हैं, बॉलीवुड काम करता रहा है, हम सब लिखते रहे हैं। चूँकि मैं एक शायर हूँ और मैं अंदर से बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही हसास टाइप का इंसान हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा जो दिल्ली में हुआ है छात्रों के ख़िलाफ़ वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने भी छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं, ये हमारा फ्यूचर हैं। जब कल नहीं हम होंगे तो कल यही होंगे और यही देश चलाएंगे, तो इनको एक अच्छा सबक जाना चाहिए, एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, ताकि ये कल फ्यूचर में इस देश को एक सेकुलर तरीके से जो है वो चला सकें। तो आज हम इन सबको जो है सपोर्ट करेंगे तो इनको ये चीज़ याद रहेगी और इसको वो फ्यूचर में आगे भी जो है वो अप्लाई करेंगे और देश को खुशहाल बनाने की कोशिश करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे जी। सर, मैं अगर बात करूँ जामिया की, जामिया में जो कुछ हुआ वो सभी ने देखा, सीसीटीवी द्वारा कई सारी पुलिस की बर्बरताएं सामने आई कि छात्रों को किस बेरहमी से मारा जा रहा था, किसी छात्र की आंख चली गई जो कि कभी ज़िंदगी में नहीं देख सकता है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, किसी छात्र का जो है आंसू गैस के गोला लगने से हाथ छन्नी हो गया, जो कि हाथ नाकाम हो गया, उसका फ्यूचर ख़राब हो गया। तो सर, ये जो बर्बरता है इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? सरकार क्या चेताना चाहती है, क्या जताना चाहती है इस चीज़ से? देखिए, मैंने भी वीडियोज़ देखे हैं, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, सरकार भी हमारी है, हमारे देश की सरकार है, हमने ही चुना है। और हम देखिए, ये जितने भी लोग हैं, वो छात्र हों या बाकी के लोग हों,
तो वो हमारी सरकार से ही हम कह सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो हम अगर हमें कोई दुख तकलीफ़ है तो वो हम यहीं बयान करेंगे, इन्हीं से कहेंगे। तो ये बिल जो है या ये चीज़ें जो हैं वो जो हमें हम सबको सही नहीं लग रही है, तो हमारी मांग जो है वो जायज़ है। और वहाँ जो भी कुछ हुआ है, जितने मैंने वीडियो देखे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब बहुत ही उसे क्या कहेंगे कि बहुत ही कठोरता वहाँ जो है वो बरती गई है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि ये एक्चुअली पुलिस भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं, सब कुछ हमारा है। तो हम सबको, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी ये चाहिए कि एक दायरे में रह के एक एक सबके एक लिमिट होती है, पुलिस की भी एक लिमिट है, लोगों की भी एक लिमिट है, तो उन सबको एक दायरे में रह के काम करना चाहिए। और ये जो चल रहा है प्रोटेस्ट, क्योंकि पुलिस भी हमारी रक्षा के लिए आती है, अगर वो नहीं होगी तो कोई कुछ भी करेगा, तो जाहिर सी बात है वो भी आई है, हमें उसका भी ख्याल करना है और उनको हमारा ख्याल करना है, और इस देश को जो है वो इसका फ्यूचर अच्छा करना है हमें मिलके, ताकि हम सब यहाँ प्यार मोहब्बत और एकता के साथ रह सके, जैसे सदियों से रहते आए हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे भी। तो ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी चीज़ें वहाँ हुई हैं, तो मैं इसको इसके पक्ष में नहीं हूँ कि इसको बहुत ही एक अलग रूप दिया जाए या बहुत कुछ इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी जाएं, बल्कि इसको लेना चाहिए कि वो बच्चे भी हमारे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और पुलिस भी हमारी है, तो ये मिलजुल के जो लोग जिन लोगों ने इसमें गलत रवैया अख्तियार किया उनको उनकी जानकारी हो और उनको जो है वो ठीक किया जाए। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप बॉलीवुड से हैं और काफ़ी सारी आपने फिल्मों में गाने लिखे हैं जो कि मशहूर फिल्में हैं और काफ़ी हिट फिल्मों के आपने गाने लिखे हैं, सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, बॉलीवुड भी इस मसले पर दो घड़ों में बटा हुआ नज़र आ रहा है। एक तबका बॉलीवुड का वो है जो कि इस बिल का समर्थन कर रहा है, दूसरा तबका वो है जो इस बिल के खिलाफ नज़र आ रहा है, और साफ साफ ट्वीट किया जा रहा है और एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है इसको लेके। तो सर ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग बटे हुए हैं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई बटा हुआ नहीं है, बात सिर्फ सोच की है। तो धीरे धीरे सोच बदलती है, और भाई बीजेपी को कौन लेके आया, हम ही लोग लेके आए ना, हमने ही वोट्स किए हैं, तो उनको ये हमारे वोट्स की कीमत समझना चाहिए, और हमें कोई तकलीफ़ हो रही है वो समझना चाहिए, वो बॉलीवुड हो या कोई दूसरा वुड हो, तो वो सब ये हमारा ही हिस्सा है, हमने ही बनाया है, हमारी सरकार है, ये सब लोग हमारे हैं, पीएम हमारा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई बाहर के लोग हैं या कोई जो है वो कहीं से आ गए, नहीं, हमारे बीच के लोग हैं। तो बात सोच की है, समझ की है, धीरे धीरे ये देखिए अच्छी सोच जो है वो थोड़ा सा लेट आती है लोगों में, धीरे धीरे आ रही है, और ये लोग भी कोई बुरे नहीं हैं, ये भी देश का भलाई चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन ये भी भलाई करना चाहते हैं, तो लेकिन उसमें सोच थोड़ी सी अलग अलग है, तो वो एक प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए। पूरा बॉलीवुड भी बटा हुआ नहीं है, वो भी कुछ उच्च सोच के साथ हैं, कुछ इस तरफ हैं, तो वो धीरे धीरे वो सब एक होंगे, और मुझे पूरा यकीन है यहाँ के लोगों पे और यहाँ की एकता पे और यहाँ की सरकार पे, यह हमारी सरकार है, मजबूत सरकार है और बहुत अच्छी सरकार है, ऐसा नहीं है कि मतलब देश चल रहा है बागत, हम सांस ले रहे हैं यहाँ पे, जो लोग मतलब हमको चला रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक करेंगे, इसको समझेंगे, जो हमारा दर्द है या जितने भी लोग हैं उनका दर्द है उसको समझेंगे और इसको ठीक करेंगे, और देश फिर से वैसे चलेगा जैसे चलता है, जो हमारी खूबी है, जो हमारी जो 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 हमारा कल्चर है वो इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ये जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे जो देश की खूबसूरती है वो खूबसूरती है एकजुटता, एकता और अखंडता। अखंडता शब्द मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिस समय देश का संविधान लिखा गया तो अखंड भारत के नाम से उसे रचा गया, क्योंकि ये भारत एक ऐसा देश बना संविधान लगने के बाद में जिसमें के सभी जात के, सभी प्रांत के, सभी भाषाओं के, सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पे जगह दी गई। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पूरी दुनिया में अगर लोकतांत्रिक कोई देश है सब में बड़ा और जिसमें कई धर्मों के लोग एक एक साथ रहते हैं वो भारत है, तो कहीं ना कहीं इसकी एकजुटता पर और इसकी अखंडता पर चोट करने की
कुछ सियासतदानों द्वारा कोशिश की जा रही है जो कि नाकाम होती इस समय नजर आ रही है, क्योंकि भारत भर में जिस तरीके से छात्र संघ एक एकजुटता के साथ में आगे आ रहे हैं, ना कि किसी विशेष धर्म, ना कि विशेष जाति, ना कि विशेष भाषा के, सभी लोग एकजुट एक ही आवाज कर कर कह रहे हैं कि इस बिल को रद्द किया जाए। और रद्द किया जाए इसलिए कि इस बिल में कई सारे दाव पेच ऐसे हैं जिससे कि एक जाति को या एक तरीके के लोगों को उससे सीधे सीधे चोट पहुंचाने और नुकसान पहुंचाने की मंशा से इसे लाया जा रहा है। अब देखना यह होगा, देश भर में आवाजें तो बुलंद हो रही है, मगर क्या ये आवाजें सरकार के कानों तक पहुंच पाएगी? क्या इन आवाजों को सरकार सुनेगी या अनसुना कर अपने रास्ते चलती नजर आएगी? कैमरामैन कमल के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़।